हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रश्मि किचन। आज हम आपको चल रहे हैं पालक पनीर बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। मेरी ये वीडियो थोड़ा लेट में आई है, अब मेरे कारण किसी कारण उसमें वीडियो नहीं बना पाई थी। अब मेरी वीडियो नई वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। आइए पालक पनीर बनाने की रेसिपी दिखाती हूँ। हाँ गाइस, देखिए ये हमने मुलायम पत्ती और हरी हरी ये देखिए पालक हमने धो के साफ से रख ली है। और ये देखिए ये मेरा ये हल्दी पाउडर है, गरम मसाला है, ये हमने घर पे तैयार किया है सब्जी मसाला, और ये लाल मिर्च है काश्मीरी है, और ये लहसुन की कली है, दो टमाटर है, नमक स्वाद अनुसार है, जीरा है, और थोड़ा सा बड़ी इलायची और दालचीनी और छोटी इलायची। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और ये देखिए मैं ये पनीर 300 ग्राम मेरी ये पनीर है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ बनाने की रेसिपी। देखिए गाइस, हम ये एक बड़े बर्तन में ये पानी रखे हैं। ये पानी गर्म हो जाए तब मैं ये पालक डालती हूँ। ये पानी खौल जाए तब मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डालूंगी, ताकि इसकी पत्ती जो है, पालक की पत्ती जो है बिल्कुल ग्रीन ग्रीन रहेगी। इसमें मैं थोड़ी सी चीनी डालती हूँ। देखिए गाइस, ये खौल गया है बिल्कुल, और मैं इसमें थोड़ी चीनी डालूंगी। ये चीनी डालने से लीफ इसकी जो है, पालक का पत्ता बिल्कुल ग्रीन ग्रीन रहेगा, कलर इसका नहीं वो होगा। अब ये देखिए मैं ये डाल रही मुश्किल से, इसको मैं 3 मिनट, बस खाली 3 मिनट तक इसको बॉयल करूंगी, ज्यादा देर नहीं करूंगी, बस 3 मिनट तक बॉयल करूंगी। ये देखिए बस 3 मिनट बाद ये हो जा रहा है। ये गाइस देखिए ये हो गया है। अब मैं इसको छान के और इसको ग्राइंड करके आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये मैंने ये बिल्कुल ये देखिए ग्रीन ग्रीन हुआ है, और ये मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया। अब मैं कढ़ाई चढ़ा के आपको दिखाती हूँ। ये कढ़ाई हो जा रही है, तो मैं इसको देसी घी थोड़ा सा डाल दूंगी, या तो आप बटर डाल दीजिए। ये देखिए गाइस, मेरी कढ़ाई हो गई है। अब मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी डालूंगी और थोड़ा सा डालूंगी और बाकी मैं आगे रिफाइन डाल सकती हूँ, ऑयल आप डाल सकती हैं, थोड़ा सा ऑयल मुझे पड़ सकता है। ये देखिए, ये अब थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी डाल रही हूँ। ये देखिए मेरा ये ऑयल हो गया है। ये आप बटर, देसी घी या रिफाइंड ऑयल से भी बना सकती हैं। ये देखिए मेरा हो गया है, रिफाइंड हो गया, ये हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये देखिए इलायची और लौंग डाल दूंगी थोड़ा सा, और मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी। ये देखिए जीरा और ये हो जा रहा है। ये देखिए मेरा हो गया इलायची और ये हो गया। अब मैं इसमें टमाटर तेल डाल, अब इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। ये देखिए ये मैं लाल मिर्च पाउडर, और ये देखिए ये गरम मसाला मैंने घर बनाया है, और ये मैं हल्दी डाल रही हूँ, और ये देखिए हमने ये सब्जी मसाला तैयार किया है, थोड़ा सा घर ही में तैयार किया है। ये देखिए ये मैं 1 चम्मच ये डाल देती हूँ। अब मैं इसको अच्छे से चला, देखिए ये अच्छे से कलर हो गया है, आ रहा है तेल। ये देखिए तेल छोड़ दे रहा है, मसाला भून जा रहा है, तब मैं इसमें पालक डाल रही हूँ। ये देखिए गाइस, ये देखिए तेल छोड़ दिया है बिल्कुल। ये देखिए
ये देखिए तेल छोड़ दिया है और भून जाने दीजिए थोड़ा सा। फिर मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक पड़ेगा इसमें। ये देखिए मेरा तेल जो है, मसाले की खुशबू अच्छी आने लगी है। ये देखिए अब मैं इसमें पालक डाल दूंगी। मैं नई नई रेसिपी बनाती रहूंगी, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं छोटी छोटी रेसिपी, छोटी छोटी वीडियो आपके सामने लाती रहूंगी गाइस। ये देखिए ये तेल छोड़ दिया है बिल्कुल, मसाला मेरा भून के देखिए हो गया है। अब मैं इसमें पालक अब पक जा रहा है, तब मैं इसमें पनीर डाल दूंगी। ये मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है और ये इसका रसा जो है ये अच्छे से हो जाएगा, तब मैं इसमें मसाला हो जाएगा तब डालूंगा। ये गाइस देखिए ये हो गया है मेरा, ये खूब अच्छे से ग्रेवी इसकी होकर मसाला पूरा हो गया है। ये देखिए अब मैं इसमें पनीर ऐड कर रही हूँ। ये मैं अब इसमें पनीर ऐड कर रही हूँ। कुछ लोग फ्राई करके डालते हैं पनीर, कुछ लोग कच्ची पनीर डालते हैं, दोनों तरह से पड़ती है। आप चाहे जिस तरह से खाइए, चाहे कच्ची डाल के खाइए चाहे फ्राई करके खाइए। ये देखिए आपके सामने, ये देखिए, ये देखिए अब इसमें मैं मलाई ऐड करूंगी। आपके पास फ्रेश दही हो तो आप फ्रेश दही या फ्रेश क्रीम भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें जो है फ्रेश क्रीम जो है यूज किया जाता है, या तो आप ताजी मलाई भी डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए भी मैं इसमें, ये देखिए ये मैं मलाई अभी इसमें डालूंगी। देखिए गाइस ये हो गया है मेरा, ये देखिए इसकी ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है और ये देखिए हो गया, ये देखिए अच्छे कलर भी इसके आ गए हैं। इसको आप पूड़ी पराठा चपाती के साथ गर्मा गर्म खाइए और मेरा चैनल आगे बढ़ाइए और मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नई नई रेसिपी, नई नई वीडियो के साथ मैं फिर से मिलती रहूंगी आपके साथ। आप मेरा चैनल देखते रहिए और मुझको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अब इसमें देखिए मैं मलाई डालूंगी। ये देखिए मैंने फ्रेश मलाई लिया और ये देखिए डाल के मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। ये देखिए थोड़ी देर के लिए मैं फ्रेश मलाई ली और थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। ये देखिए गाइस ये देखिए मेरी हो गई है और ये अच्छे से ये देखिए हो गए सब मेरी। अब मैं इसको निकालती हूँ। देखिए अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ गाइस। ये देखिए ये भी देखिए मेरी अच्छी सी छोटी सी रेसिपी है। आप मेरा रेसिपी देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसको आप चपाती से गरम गरम खाइए, बहुत ही टेस्टी है। और मेरा चैनल आप लोग आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए सो गाइस, ये छोटी सी रेसिपी मेरी कैसी लगी ये आप देखिए, मेरी छोटी सी रेसिपी देखिए और मेरा ये चैनल आगे बढ़ाइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और मैं वीडियो, नई नई वीडियो, छोटी छोटी वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।